हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जर्दा। जर्दा खाने में बहुत टेस्टी और लोगों को पसंद भी आता है, इसलिए इसके लिए हमने लिए 300 ग्राम डबल चाबी के चावल। उसको हमने 1 घंटा भिगो कर 100% उबाल कर छान लिया था और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठंडा होने के बाद इसके अंदर हमने 300 ग्राम ही चीनी मिलाकर उसको रख दिया था। दूसरी तरफ क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपको घी तेल जो यूज़ करना चाहे वो लीजिए। 300 ग्राम ऑयल लेना है, उसके अंदर आपको कुछ ड्राई फ्रूट डालकर उसको गोल्डन फ्राई कर लेना है। गोल्डन फ्राई होने पर उन्हें बाहर निकाल कर बचे हुए घी के अंदर आपको 3 हरी इलायची डालनी है, उसके अंदर चावल और चीनी डालकर रख देना है। जब उसमें पकन आने लगे तो उसे हल्के हाथ से चलाते रहें। याद रहे, हल्के हाथ से चलाना, नहीं तो चावल टूट जाएगा और आपका जर्दा ख़राब हो जाएगा। जब चाशनी खुश्क हो जाए और आपको लगे कि चावल तैयार हो चुका है, तब आप इसके ऊपर हरा रंग थोड़ा सा पानी में डालकर उसके ऊपर डाल सकते हैं। आप कोई भी रंग यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज भी डाल सकते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट डालिए। ये देखिए, मैंने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं। इसके बाद आप अपने मेहमानों के आगे, अपनी फैमिली के आगे इसे सर्व कीजिए। मुझे उम्मीद है सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।